शायद जितने छोटे कमरे में आज मैं बैठी हूँ, एक में इससे थोड़ा सा ही बड़ा होगा उतना फ्लैट, जैसे वो बंगलों में आउट हाउस जैसा एक होता है ना, उसमें माँ, बस माँ खड़ी थी मेरे साथ. उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल लूंगी, तुम जाओ, तुम दोबारा स्ट्रगल करो. सो मैंने 2001 जुलाई में हम दिल्ली आए थे, कुछ नहीं था, एक गद्दा एक सिलेंडर लेकर मैं कानपुर से, हम लोग, अब मेरी बेटी और मेरी माँ, एक साल पूरा माँ ने मेरी बेटी को. और उसके बाद जब मेरी जी में जॉब भी लग गई, तब भी क्या होता है ना, बुलेटिन खत्म होते होते रात का 12 बज गया, 1 बज गया, मुझे टेंशन कभी क्यों नहीं हुआ कि क्रेच से बच्चे को, आई यूज्ड टू सी माय कॉलीग्स, क्रेच से भी अगर बच्चे को पिक करना है तो वो भी एक स्ट्रेस है, या बच्चा घर में मेड के साथ है वो भी एक स्ट्रेस है, मुझे कभी वो सब देखना ही नहीं पड़ा. तो हर चीज में वो थी. तो आपको बताऊं, मैं आज बहुत पर्सनल चीज शेयर कर रही हूँ. पिछले तो नवंबर में क्या हुआ, जब माँ की सर्जरी दिसंबर में, 8 दिसंबर को सर्जरी होनी थी, एक दिन पहले ना डॉक्टर्स वो इतने सारे पेपर आपसे साइन कराते हैं, और बार बार आके कह रहे थे कि कुछ हो सकता है, बेसिकली वो उनका थायराइड रिमूव होना था, बट हार्ट का भी कुछ क्रिटिकल हो सकता है, सो द ऑपरेशन कुड बी फेटल, ही माइट नॉट सर्वाइव. अच्छा, 8 बार 10 बार आपने सुन लिया भाई माइट नॉट सर्वाइव, हो गया बात कितनी बार. सुबह जब वो निकल रही थी, मुझे एक्चुअली लगा कि अगर ये ओटी से बाहर नहीं आई तो मैं भी नहीं बचूंगी, पता नहीं क्यों, यू नो, दैट इज द बॉन्ड ऑफ अ मदर एंड डॉटर. आई फील शी इज एग्जैक्टली 20 years ओल्डर टू मी, सो आई एम 46, शी इज 66. और मैंने उनसे पता है क्या कहा, मैंने कहा सुनो चुपचाप ना ठीक से आ जाना, ओटी में बिल्कुल स्ट्रांग रहना, जैसे स्ट्रांग मैंने आपको हमेशा देखा है, बिकॉज इफ यू डोंट कम आउट आई एम नॉट सर्वाइविंग. और स्ट्रांग रहना, तो मैंने जब 2-3 बार स्ट्रांग रहना, तो पता है क्या बोलती हैं, हम तो स्ट्रांग है, तुम स्ट्रांग बनो.